हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू एवरीवन, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। उसके पीछे दो रीज़न थे। पहला अच्छा ये कि आज जन्मदिन था, दूसरा बुरा ये कि पाँव में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, पाँव की कोई मोमेंट नहीं हो रही थी तो बहुत पेन हो रहा था। अभी थोड़ा सा आराम हुआ है इसलिए मैं इसको कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करना चाहता था और वीडियो जरूर ये बनेगा लेकिन थोड़ा ब्रीफ में होगा, तो प्लीज़ आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। देखिए, पहली न्यूज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अब तक एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना रिलेशंस में बर्फ जमी हुई थी, धीरे धीरे वो कह सकते हैं कि अभी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई हमें दिखाई देगी। नई गवर्नमेंट से हमें काफ़ी होप हो सकती है। उनका एटीट्यूड बताता है कि हमें किस प्रकार से मूवमेंट करना। हालांकि बहुत से इसमें रुकावट भी हैं, खासकर टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है, आर्मी की इंटरवेंशन हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का ने एक मैसेज दिया कि हम रिलेशनशिप चाहते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक डायलॉग होना चाहिए, और वो क्यों होना चाहिए? देखिए, हम लोग एक तरीके से नाराज हो सकते हैं, पाकिस्तान से गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी हम लोगों को समझना होगा कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर हमें किसी भी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सकता है और फिर से हम लोगों को बातचीत तो करनी पड़ेगी। इसका कोई अल्टीमेट नहीं है हमारे पास यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें न्यूज़ के मामले में देखें तो केरला के अंदर जो फ्लड आई हुई है, उस फ्लड ने एक तरीके से भयानक तबाही के रूप में हम लोगों सामने देखते हैं, और तमाम रीजन दिए गए हैं। मैं कल ही पढ़ रहा था कि बाढ़ के लिए कई कारण जिम्मेदार रहे हैं। पहली बात तो क्लाइमेट चेंज तो है ही, क्लाइमेट चेंज की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है, और सी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, अगर जो सागर का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होगा तो वहाँ इफेक्ट पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा सी टेम्परेचर राइज होगा, जो शायद कॉर्नर पर हमारे जितने भी कोस्टल कंट्रीज है, स्टेट्स हैं सॉरी, वो डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैटेगराइज करा है L3 लेवल की डिजास्टर है ये। L3 का मतलब होता है ये सबसे ज़्यादा डिजास्टर कैटेगराइज है स्केल में, पॉपुलेशंस के हिसाब से भी, और लगभग 10,28,073 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये बताता है कि इंडिया की जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है या इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक तरीका है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक माना जाता है। इसीलिए बहुत सी कंट्रियों से हम लोग इस मामले में आगे हैं। हालाँकि अभी भी बहुत सारे चैलेंज हैं, फूड अवेलेबल करवाना और एक तरीके से कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे कैंप लगेंगे, अब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, पानी इकट्ठा होगा तो महामारी फैलने की खतरा रहता है। डेंगू और मलेरिया के लिए हम लोग बहुत एक तरीके से वो जोन है जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट की वजह से। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय हमारे जलवायु, ये रीजन्स हैं सबसे बड़ा। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अलावा धीरे धीरे लाइफ जो है नॉर्मल होगी, क्योंकि अभी पानी का लेवल जो है डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर, और फ्लाइट्स एटलीस्ट कोची एयरपोर्ट पर स्टार्ट करी गई। तो ये थी एक सिंपली बात। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से। देखिए, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केरला को लिंक करते हुए, ठीक है। आप लोगों से एक सवाल है, 8 डिग्री चैनल किस को कनेक्ट करता है? ये UPSC पूछ चुकी है और मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ, ये इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जितने भी वहाँ पर, चाहे वो कल्चरल परस्पेक्टिव में हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, नेशनल या डैम्स वगैरह हो, ये सारी चीज़ पूछी जा सकती है वहाँ पे। डैम हो वहाँ पर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, या फिर वहाँ कोई फॉरेस्ट है, इस प्रकार की सारी चीज़ें की पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ देखते हैं रुपया लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी मतलब लगातार तो नहीं कि पहले जो 70 से ऊपर चला गया था वो अब थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, और ये रिकवरी ज़रूरी थी क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर एक नेगेटिव मैसेज जा रहा था, और स्टॉक मार्केट में अगर नेगेटिव मैसेज जाता तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए रिकवरी ने काफ़ी एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले किया है, ठीक है, स्टॉक मार्केट को एक इंक्रीज देने में। और स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो ये देखकर इन्वेस्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, कि स्टॉक मार्केट कैसा साइन कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और किसी ने पूछा था कि स्टॉक मार्केट का रोल क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट अगर आप एग्रीकल्चर पर ही देखेंगे, जैसे ही स्टॉक मार्केट में गेहूँ के दाम बढ़े या गेहूँ की डिमांड बढ़ी, तो आप देखिए डेली बेसिस पर गेहूँ
कपास, कॉटन, इनके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं। कभी भी आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे, आपने जी बिजनेस या इस तरह के चैनल सीएनबीसी बिजनेस इस तरह के देखे हो तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी देखिए एडिटोरियल, कई सारे एडिटोरियल यहाँ पर दिए गए हैं तो आज हम केवल दो एडिटोरियल पढ़ेंगे। पहला है आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और दूसरा वहाँ पर राइट हैंड साइड एक आर्टिकल है। बाकी ये वाला रुपये का जो हिस्ट्री क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो भी सकता है रुपए की, अभी काफ़ी न्यूज़ में है, लेकिन मैं ये आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप ज़रूर आप अपने आप से पढ़िएगा, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बात करते आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, तो कई सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। तो पहले मैं मैप में आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि आखिर ये कंट्री ग्रुप है कहाँ का, ठीक है। देखिए आसियान में 10 कंट्री आप जानते होंगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, लगभग 10 हो गए होंगे, एक दो नहीं हुआ है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, मतलब आप देख लेना कौन सी रहेगी। इसके अलावा अब बात करते हैं, यहाँ दो ग्रुप इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी पूछ चुका है, आरसीईपी भी पूछ चुका है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ईस्ट एशिया समिट पर भी पूछ चुका है। ये जब 10 कंट्री 6 मेंबर यानी साउथ कोरिया, जापान, चाइना 3, इंडिया 4, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे आए ऑस्ट्रेलिया 5 और ये रहा न्यूजीलैंड, इन 6 कंट्री को जब जोड़ते हैं हम लोग तो बनता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब इन्हीं के साथ अगर हम दो कंट्री और जिसमें अगर हम बात करें तो रशिया और ये रहा यूएसए, इस कंट्री को दो को जोड़ दें तब बनता है ईस्ट एशिया समिट। अब माजरा के उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए अभी इश्यू ये है कि इस बार जो मीटिंग होगी सिंगापुर के अंदर होगी और आरसीईपी की सिंगापुर में, ये माना जा रहा है कि भारत इस बारे में चर्चा कर रहा है क्यों ना हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, लीव कर दें। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि कई सारे रीजन्स हैं और सबसे बड़ा रीजन है चाइनीज गुड्स की प्रेजेंट वहाँ पर लगातार बढ़ रही है, चाइनीज चीज़ों की एक तरीके से बिक्री बढ़ी है, लेकिन भारत के पक्ष में अभी जो चीज़ें थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है वो क्या, जैसे वुहान के अंदर इनफॉर्मल समिट हुई तो भारत और चीन के संबंधों में एक तरीके से थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आई। उसके पीछे अगला कारण ये भी था कि ट्रेड वार जो चल रहा था यूएसए और चाइना के बीच में, चाइना को आवश्यकता है मार्केट की और भारत को आवश्यकता है एक्सपोर्ट करने, क्योंकि करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम हुई है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि भारत ने इस बारे में कहा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ा है, हम लोग चाइना से इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसी मामले में भारत ने कहा कि और चाइना ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि फार्मा सेक्टर में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इंडिया का फार्मा सेक्टर जो है यानी जो दवा उद्योग है वो दुनिया के बड़े उद्योगों में से एक है और इसके अलावा इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एजेंसी है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो भी दुनिया की टॉप इंडस्ट्री में आती है। ये माना जाता है कि चाइना का हार्डवेयर और इंडिया का अगर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो दुनिया की किसी भी ताकत में रोकने की पावर नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग, क्या भारत को इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहिए, इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, कि कंसर्न है, इश्यूज हो सकते हैं बट छोड़ना नहीं चाहिए। रीजन ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के में लगभग 40% जीडीपी आती है ग्लोब की इसी आरसीईपी में। इसके अलावा इस समय आशियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कह सकते हैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, इवन यूरोपियन यूनियन भी इससे पीछे आता है। कारण क्या है, यूरोपियन यूनियन में काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर कंट्री में मतभेद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आपस में मतभेदों को पीछे किया गया, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा भारत पहले ईस्ट लुक ईस्ट की पॉलिसी फॉलो करता था और अब एक्ट ईस्ट की, लुक ईस्ट में संबंधों को बनाना था और एक्ट ईस्ट में संबंध उन देशों के साथ मिलकर काम करना था, ये मूल अंतर था, तो भारत को जरूर चाहिए उसके अंदर। तीसरी बात इन्होंने बताई कि यूएसए जो है लगातार मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं बहुपक्षीय संबंधों में पीछे हट रहा है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में हटा, पेरिस एग्रीमेंट से हट गया,
ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो डेली कुछ ना कुछ छोड़ता जा रहा है। इन सब के लिए इंडिया के लिए आवश्यक है कि उसके साथ एंगेजमेंट बनी रहे, ठीक है। तो इसकी ज्योग्राफी जरूर हम लोग को पता होनी चाहिए, देखना चाहिए। देखिए ये वाला एडिटोरियल जो है वो है मुकद्दता, यानी यहाँ पर इराक के अंदर चुनाव हुए हैं उसके बारे में एक तरीके से बात है, और इस चुनाव में क्या क्या इश्यूज हैं उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैदर अल आबादी थे, और ये वही प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ISIS को इराक से बाहर निकाला। इराक बहुत ज़्यादा मतलब इस्लामिक स्टेट जो टेररिस्ट ग्रुप था उससे इफेक्टेड रहा है इराक और सीरिया, और इराक ने तेज़ी से रिकवर किया है। अगर हम बात करें इराक की तो बड़ा एक यूनिक सा चीज़ें हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या इराक को अरब वर्ल्ड में शामिल किया जाता है, यानी अरब लीग में शामिल है, तो इसका आंसर है कि इराक जो है वर्ल्ड लीग में शामिल नहीं है, ठीक है। और इराक की अगर आप लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो बड़ी यूनिक है। ईरान इसके राइट साइड में आप बिल्कुल देखेंगे, तुर्की है, सीरिया है, और यहाँ पर जॉर्डन और सऊदी अरबिया की बाउंड्री। सऊदी अरबिया बहुत बड़ा देश है। देखिए इराक की एक ये भी तस्वीर है, हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इराक बिल्कुल उजड़ गया है, तो ये फोटोग्राफ देखिए आप, ये इराक की फोटोग्राफ है। और इराक में अगर मैं इसको बताऊं, हल्फा स्टेट कोई जगह है, वहाँ की ये फोटोग्राफ है। इससे लग रहा है कि रिकवरी वहाँ पर हो रही है। ये चीज़ें हम लोगों को ज़रूर याद समझनी चाहिए कि माइंडसेट नहीं बनाना, मतलब कि यार यही इराक का मतलब ख़त्म हो चुका देश, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी रिकवरी हो रही है और तेज़ी से हो रही है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए, दुनिया की तमाम कंट्रियों के लिए चैलेंजिंग हो सकता था कि एक बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर झेला है ग्रुप्स का, टेररिस्ट ग्रुप्स का और तमाम ग्रुप्स का, लेकिन उसके बाद भी हम लोग खड़े हुए, ये एक पॉजिटिव साइन था, ठीक है। दूसरा हम बढ़ते हैं, एक आर्टिकल देखेंगे, ये वाला देखिए। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का बारे में लेफ्ट साइड दिया गया है कि क्या हो सकता है अगर हम स्वच्छ भारत अभियान को इग्नोर करें। अगर आप कहेंगे तो इस एडिटोरियल को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, आप वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर चाहते हैं कि इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करें तो कल कर लेंगे। बाकी ये देखते हैं कि पहली बात क्लाइमेट चेंज अभी क्यों इम्पोर्टेंट है, और एजुकेट करना लोगों को, ये क्लाइमेट चेंज भाई इस चीज़ को समझना ज़रूरी कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज का फंडा इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारी कंट्री पहले, तो हमारी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, हमारे रिसोर्स लिमिटेड है। हम लोग देखिए ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक बाधा है, हमने अक्सर सुना होगा बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है, वो हमारे सामने बाधा है, चैलेंज है। लेकिन आप शायद, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, चाइना की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, और चाइना में जो कृषि है, कृषि क्षेत्र जो है चाइना का, वो हमसे आधा है, लेकिन हमसे प्रोडक्शन दुगना है, यानी हमसे चार गुना प्रोडक्शन करते हैं वो लोग। इस चीज़ को समझिए कि एक एकड़ में हमसे चार गुना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू अस। तो उस कंट्री से इस मामले में हम लोगों को सीखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करें कि आखिर क्यों आवश्यक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एस्टिमेट है, इसके अलावा UN सस्टेनेबल गोल्स रिपोर्ट 2018 भी है, उसमें भी ये बताया गया कि 2018 में रिपोर्ट आई, इसमें बताया कि लगातार राइजिंग हंगर और डिसप्लेसमेंट यानी दूसरे जगह पर शिफ्टिंग के केसेस हम लोगों को लगातार देखने को मिलेंगे। 2.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है 2030 से 2050 तक, इसी कारण, केवल क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर जो होगा साइड में, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी, मलेरिया, डायरिया, हीट स्ट्रेस, यानी एकदम लू जिसको बोलते हैं हम लोग गर्मियों में चलते हैं ना उत्तर भारत में, खासकर उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर, तो ये कारण है। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा लो इनकम ग्रुप्स वाले डेवलपिंग नेशंस को। वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि भारत के लिए 2.8% GDP का तो केवल यहाँ खर्च करना पड़ेगा, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि भारत के लिए अगले 30 साल बड़े चैलेंजिंग है, वो टफ होने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर इन्होंने कई तरीके से, अपने अपने तरीके से तर्क दिए कि हम लोगों को अब ग्राउंड पर काम करने की ज़रूरत है, जैसे बेसिक चीज़ों से लेकर, मतलब स्कूल्स में, कॉलेज में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या। इसके अलावा 2013 में हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से एक कंसेप्ट शुरू किया, कंपनी एक्ट में एक ये आइडिया प्रेजेंट किया। अब ये क्या था इस चीज़ को भी जान ले, इसके तहत क्या था, कंपनी के एक इनकम मान लो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट होता है,
तो 2% खर्च करे किसमें, सोशल सेक्टर में। अगर हम वो पैसा एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रेज करने में या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने में लगाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। ये ज़रूरी है कि हम लोग इकोलॉजिकली बैलेंस करें। फ्लोरा एंड फोना यानी जैव विविधता, अगर हिंदी में बताऊं सिंपली, पौधे भी बचाने और पशु पक्षी भी बचाने हैं, एनिमल्स वेलफेयर, एग्रोफोरेस्ट्री या मतलब कृषि के साथ थोड़ा सा पेड़ पौधे जरूर लगाएं, इस तरह की चीज़ें अगर हम करें तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर इंक्रीज करना है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, चाहे वो जल हो सकता है, जमीन हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, सबको सेव करना है। मिट्टी क्वालिटी, एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को सेफ रखना, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसके माध्यम से। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत पर एक तरीके से ये तो बढ़ता ही जा रहा है, खर्च तो होगा ही हमारा। इसके अलावा भारत काफ़ी रिस्क वाली कंट्री भी है, क्लाइमेट चेंज का भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। रीज़न ये है कि हमारी जो अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप में आ जाते हैं, मोस्टली ट्रॉपिकल ही माना जाता है, तो उससे हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इसको और ध्यान दें। देखिए यहाँ पर बातचीत करेगी बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 5 कंट्रियों से 5 नाम आपको देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इनका नाम कुछ ये, इसका मतलब ये इसकी डेफिनेशन अलग है, ठीक है, ये मैं जस्ट आपको कोडिंग के लिए बता रहा हूँ। और ईसी का मतलब यहाँ पर सिर्फ नेपाल, भूटान, 7 कंट्री, 7 वर्ड इसके अंदर है। हालांकि इसका नेम कुछ अलग होता है, यहाँ पर ये बताया भी गया है। और यहाँ पर बातचीत चल रही है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम लोग आगे बढ़े और उसी संदर्भ में एक मीटिंग होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, आसियान, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क हो सकता है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट कंट्रीज हो सकती है, काफ़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर तो बात ही कर रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज भी हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने तालिबान वालों को कहा कि भाई आप बातचीत करिए, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। अगर आप देखिए कितने अमीर है ये लोग, इनकी ये तालिबान वाले हैं, ये आतंकवादी है, और इनकी बाइक से देखिए कि कितने अमीर होंगे। इस फोटोग्राफ से आप एक अंदाज़ा लगाइए कि ये तालिबानियों के पास कितना पैसा है। मतलब इनकी हालत ये है, ये बस कब्जा करने के लिए, मतलब इनके पास कोई अलावा ऑप्शंस नहीं है। अगर ये क्षेत्र कब्जा ना करें तो उजड़ जाएंगे उसी दिन। इसीलिए माना जाता है कि भाई तालिबान इतना बड़ा भी एक इशू नहीं है। अगर पूरी वर्ल्ड पावर एक साथ हो जाए तो तालिबान इतना तगड़ा नहीं कि वो उसको रोक ना पाए। अगर विश्व इस्लामिक स्टेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन को उखाड़ के फेंक सकती है तो ये तो बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। इस्लामिक स्टेट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा चैलेंज बना, उसको हरा दिया तो ये तो इसको हराना बहुत आसान है। अगर सारी कंट्री, लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि अगर सारी कंट्री एक साथ आएँ और उससे भी ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर अगर इनकी प्रेजेंस है तो अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग मेजर लेने पड़ेंगे। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और माफ़ी चाहूँगा बहुत लेट हुआ, कल से सुबह ही आएगा, कोशिश करूँगा अगर पूरी तरीके से फिट हो पाया, नहीं तो फिर थोड़ा सा लेट हो सकता, बट आएगा पक्का, ये गारंटी देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।